के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले, और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिलकत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की चार चार पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।